एक अज्ञात वाहन की टक्कर में मां और बेटे की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं पिताजी और अन्य भाई गंभीर जख्मी हो गए। कैसे हुआ यह हादसा, आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। एक अज्ञात वाहन की धड़क टक्कर से दो व्यक्तियों की मृत्यु तथा दो गंभीर जख्मी होने की घटना नागभीर तहसील के पलस गांव के पास पुलिया पर घटी। सिंधवाई के कड़ियालवार परिवार नागपुर में निजी काम के लिए गए थे और वापस लौटते समय नागभीर तहसील के पलस गांव खुर्द की पुलिया के पास एक अज्ञात वाहन ने एक दो पहिया बुलेट तथा कार को जबरदस्ती टक्कर मार दी, जिसके कारण माँ और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई। वहीं पिताजी और उनका लड़का गंभीर जख्मी हो गए। इस हादसे में कल्पना रमाकांत कड़ियालवार उम्र 51 वर्ष तथा साहिल उर्फ बंटी रमाकांत कड़ियालवार उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंधवाई के रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत कड़ियालवार और उनका परिवार निजी काम के लिए नागपुर गए थे। नागपुर से उन्होंने एक बुलेट भी खरीदी थी और इस बुलेट पर उनका बेटा साहिल और उनकी पत्नी कल्पना ये यात्रा कर रहे थे और कार में बड़ा बेटा समीर रमाकांत कड़ियालवार एवं रमा शंकर ये दोनों यात्रा कर रहे थे। जब वो पलसगांव खुर्द के पुलिया के पास आए तब सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने पहले बुलेट को टक्कर मारी और फिर उनकी कार को टक्कर मारी। इस भयंकर हादसे में बुलेट पर बैठे माँ बेटे की मृत्यु हो गई। ये अज्ञात वाहन टिप्पर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस दुखद घटना से परिवार में शोक का वातावरण छाया हुआ है। सिंधवाई से अमर बुद्धार पवार की रिपोर्ट।